इस कहानी से जुड़ा मुद्दा ये था कि मुंगेर जिला के कामास्थान गांव में लगभग 20-25 घर चापानल नहीं रहने के कारण काफ़ी प्रभावित थे। पानी का बहुत दिक्कत था, मेरी बच्ची जो है ना पढ़ने के लिए भी नहीं जा पाती है, स्कूल छूट जाता है पानी कानी लाने के फेरा में। यहाँ की जनता बताती है कि लगभग 10 वर्ष पहले मुखिया जी ने एक चापा नल दिया था, वो भी आज तक टूटी पड़ी हुई है। नल तो खराब है 10 साल से, इधर उधर से पानी पीते हैं, बहुत दिक्कत होता है, बाल बच्चा है, हम 5 भाई हैं। यहाँ की जनता कहती है कि हम लोग को काफ़ी समस्या है नल का, हम लोग 1 किलोमीटर दूरी जा करके पानी लाते हैं। पानी की बहुत दिक्कत होता है दीदी, पानी के लिए हम लोग गंगा जी से पानी लाते हैं और बहुत मुश्किल से बच्चे को तैयार कर पाते हैं। एक दुर्गा स्थान में कल है जिसके भीड़ वहाँ बहुत रहता है, जिस कारण वहाँ पानी नहीं ले हो पाता है तो हम लोग डायरेक्ट गंगा जी चल जाते हैं, गंगा जी से पानी लाते हैं, कपड़ा उपड़ा भी वहीं जाके धोते हैं। आपने अपने मुखिया जी से बात नहीं किया कभी? हाँ, मुखिया जी को बहुत बार कहे। क्या बोला? अब मरम्मत का आएगा योजना तो हम आपको ठीक करा देंगे। आपके गांव में चापा नल आ गया? बस सही जगह पर चापा कल गड़ गया, बस ठीक है। आज फिर 7-8 महीने बाद इस गांव में चापा नल आ गया है और यहां के लोग पानी से जो समस्याएं थी उनसे अब वंचित है। अब ये लोग काफ़ी खुश हैं और वक्त पे लोग अपने काम पे जाते हैं और घर की औरतें अच्छी भी वक्त पे काम काज कर पाती हैं और बच्चे भी जो है अपने वक्त पे नहा धोकर स्कूल जाते हैं। वीडियो वॉलंटियर का काम करने में मुझे काफ़ी अपने आप में गर्व और अच्छा महसूस होता है। अच्छा, ये बता सकते हैं ये चापा नल किसके द्वारा आया? आप ही लिख के ले गए थे दीदी, इस वजह से आए थे। अच्छा, ये चापा नल का पानी आप लोग यूज करते हैं? हाँ, पूरे सारे काम करते हैं यही पानी से। इससे हमें ये समझ आया कि अगर समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो तो कितने बार अधिकारियों के पास जाकर उन पर दबाव बनाना पड़ता है और कितने बार फ़ोन से कनेक्टेड रहना पड़ता है, फिर महीनों बाद इंतज़ार करने के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। मैं मुंगेर बिहार से शीला शेख, इंडिया अनहर्ड के लिए।